She call me Luda, bitch, I roll out with my shooters. She wanna fuck me in a Plymouth Barracuda. Hey, how's going, everybody? My name is Anjan and I'm back with GTA San Andreas Real Life Mod Series. और ये रिमेक नई ब्रांड न्यू टी शर्ट जो मैंने ली तो कल ही थी पर पहनी आज है. मैंने दो टी शर्ट्स ली थी और आज मैंने कहा था कि मैं पहनूंगा. और ये हमारी प्यारी सी टैक्सी है जिसका मैंने ऑन किया हुआ इंजन थोड़ा सही हो और चलते हैं फिर अपने काम. अबे यार रात बल्कि सुबह हो रहा है. एक तो मैंने अपना मोबाइल भी बेच दिया ना, पता नहीं क्यों बेचा. मैंने ज़रूरत थी, एक काम था तो मैंने बेच दिया अपना मोबाइल. बड़ा प्यारा मोबाइल था, आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा था, देखा होगा. मैंने एक दफ़ा इस्तेमाल किया उसे, उस बार मैंने बेच दिया उसे. मैं खाली क्यों फिर रहा हूँ. फेयर 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 वेयर इज फेयर फेयर किधर है, यहाँ पे है क्या? ओ वो पीछे है. एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट आ जाएं जी. वेलकम वेलकम टू डाउनटाउन कैब सर्विस. और आज मैंने कुछ एक काम भी करना था. एक तो यहाँ पे बहुत फायरिंग होती है, गुंडों का इलाका है ये. मुझे भी किसी नए शहर में शिफ्ट होना ही पड़ेगा. बड़े पैसे हैं ना हमारे पास जो शिफ्ट हो जाएं. दो चार पैसे हैं, पहले अपना घर लेने. यही मेरे दोस्त ने मुझे देकर दिया किराए पे. $100 इसका किराया है दिन का. $50 दिन का किराया है. $50 के $100 दिन का किराया है इसका, जो कि मैंने उसे बड़ी मुश्किलों से मनाया है कि मुझे दे दे. मैं महीने में दूंगा पैसे, दिन दिन के नहीं दिए जा सकते. और मैंने एक बंदे से बात भी की थी, हॉट डॉग वाले से, और ना वो कह रहे थे. मैंने उससे पूछा कितने का कमा लेते हो, कहता मैं तकरीबन 400 रुपये कमा लेता हूँ दिन का 400 रुपये. मैंने कहा फिर अपनी फ़िलहाल टैक्सी चलाते हैं, क्योंकि आजकल हम ज़्यादा ठोक नहीं रहे हैं, क्योंकि अपने घर रह नहीं है ये. बस अपनी गाड़ी बन गई अब. पीप क्या जीपें आई हुई हैं. ये साइड पे देख रहे हैं लाल लाल, ये वो है जहाँ पे शूटिंग होती है फिल्मों की, क्या उसे कहते हैं, मैं भूल गया. ओ यार एक तो रास्ते बिना इधर के अजीब से ही हैं. आ गया मैं. आधी टिप ज़ाया करवा दी मैंने, फिर भी 84 दे दी हैं. ठीक है वो रे जनाबे अली बैग पहन के आ जाएं जी. वेलकम टू डाउनटाउन कैब सर्विस. अभी फिर से कहाँ जाना है? अच्छा 10 ग्रीन बॉटल्स पे जाना है. अच्छा तो मैं कह रहा था कि बात करते हैं दोबारा उससे कि कोई हॉट डॉग का, क्योंकि इसमें थोड़ा मसला है ना कि टैक्सी भी जिम्मेदारी है अब. तो उसमें यह है कि अपना ठेला लगाएंगे, प्यारा सा सजावट वाला ठेला भी लगाएंगे. और उसमें यह है कि अपना कारोबार करेंगे, कोई टेंशन नहीं होगी, ऊपर से कोई दबाव नहीं होगा इसमें. इसका जो मालिक है ना बड़ा ही ना, पहले वाला मालिक अच्छा था, लेकिन जो अब नया आया पता नहीं उसका भाई है कि कौन है, इतना खड़ूस इंसान है ना. पहुंच गया हूँ, बहुत ट्रैफिक था यार. मतलब अभी तो कोरोना वायरस की वजह से थोड़ा सा है, मतलब कि थोड़ी सी कम है, घंटा कम है. सेम वही एज इट. क्या अजीब से दिल तो करे इसको पकड़ूं मैं, लेकिन अरे शीशा रेड मार दी है. अब मालिक को मैं क्या जवाब दूँ? इसे अपने घर रहनी है, 10-12 दिन में ठीक करवा ही लेंगे, ज़्यादा नहीं तो महीने में ठीक करवा लेंगे. इसमें क्या है, बस अब अपने घर रहनी है ये. और कल तो मैं देखता हूँ अगर कुछ हुआ मुनासिब कोई हमारे उसका ठेले का हॉट डॉग के, तो देखेंगे कुछ अगर हुआ तो. कल की तो एपिसोड में हम यही करेंगे, ठेला ही लगाएंगे अब. भाई इतनी सी मैडम ने जाने के लिए
बहुत गुस्सा चढ़ता। ओह बच गया, पुलिस थी, पुलिस को देखो, पुलिस को खुद को बड़ी तमीज़ है यहाँ पे जो हमें कहें। ओ जॉस चेक करो, और पैसेंजर पैसेंजर वो रहा। ओ फिर से अमीर 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 अमीर, हम तो आपके यहाँ पे, यहाँ पे लाएंगे टैक्सी, आ जाए बैठें। वेलकम टू डाउनटाउन कैब सर्विस। और ख़ास तौर पे इन्होंने समझाया है मुझे, क्योंकि मैं बहुत बातूनी इंसान हूँ, तो उन्होंने कहा है कि पैसेंजर से आपने ज़रा भी बात नहीं करनी है, क्योंकि ये थोड़ा असूल होता है इनका। पीछे 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 गया वो। अच्छा मेरे ख्याल से मैं उल्टा जा रहा हूँ। निकलो 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 निकलो। तो पहुंच गया हूँ मैं, इतना ट्रैफिक है ना क्या बताऊँ मैं। ओ बंदे आ गए, मैं तो कहता हूँ 5 फेज लेते हैं और फिर उस बंदे से बात करते हैं, ऑटो वाले से, कि कहाँ से सारी चीज़ें लेता है ये। बस आखिरी निकलो 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 निकलो। सिंजर ने तो नहीं देखा, पीछे देखते हैं, नहीं देखा, वो अपने मोबाइल में मगन है, शुक्र। चलो चलते हैं हम, पीछे हटो पीछे हटो, इतनी स्पीड नहीं। हाँ और रास्ते में एक वो भी आया था रिपेयरिंग स्टेशन, तो मैंने वहाँ से रिपेयर करवा ली थी, दोबारा करवा लेंगे। दोबारा करवा लेंगे रिपेयर। पीछे हटो, देखो खुद ही आते हैं गाड़ी के नीचे, फिर हमें कहते हैं, ब्लेम करते हैं हमें। यार अभी मैं जिस एरिया में गया था ना, वहीं पर था उसका, अभी पेट्रोल भी खर्च होगा। जब टैक्सी चला रहे हो ना, तो पेट्रोल जो है हमें वो देते हैं, मतलब जब हम काम पे हों, सुबह जब हम बंद करते हैं तो। यार अच्छा इधर से जाना है, मतलब इधर नहीं उतरना, उधर जा के उतरना है। 85 500 बोनस, बस इतना काफ़ी आज के। 818 रुपीज़ वी हैव गॉट फ्रॉम आवर। और अभी मैं करता हूँ रिपेयर और मिलता हूँ डायरेक्ट उस हॉट डॉग वाले के पास। तो मैं पहुँच गया हूँ उस जगह पे, अब देखते हैं उसका ठेला लगा हुआ है कि नहीं। इधर ही कहीं वो लगाता है, पिछली दफ़ा तो मैं जब आया था, कल ही आया था मैं देखने, हाँ लगा हुआ ठेला तो है, लेकिन बंदा 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 यहाँ खड़ा करते हैं, पब्लिक सा एरिया है, नहीं है बंदा तो नहीं है, लेकिन ऐसा सेम उसने कहा था कि ढूंढ दूंगा मैं आराम से, लेकिन अभी वो है नहीं, किसी और से बात करते हैं, कोई और ढूंढते हैं फिर, अब ढूंढने में भी टाइम लगेगा, देखते हैं कहीं है तो बंदा। बंदा इधर ही लगाते थे, आज मेरे ख्याल से बंद है, कोई हड़ताल तो नहीं है कोई, वरना यहाँ पे तो रौनक ही लगी रहती है इनकी। ढूंढते हैं कहीं से, पीछे हटो। और कहाँ पे देखे थे मैंने, बीच पर देखे थे, और याद नहीं है मुझे। हाँ लेकिन वो इधर नहीं है अभी, तो वो भी दूर है। ओए पीछे 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 पीछे। अच्छा मैं फेयर ना ले, मत छोड़ो फेयर को। टैक्सी मिशन ओवर ओवर। ये है मैं JKT क्लैटिन थ्रटर, पता नहीं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। रिपेयर करवा ली थी मैंने गड्डी अपनी, अभी चलते हैं घर। और कहाँ पर हो सकते हैं, हाँ ले एक और भी तो है नौकरी हमारे पास, नौकरियाँ बहुत हैं शहर में, बड़ा शहर है ना,
तो इधर एक नौकरी है, क्या उसे कहते हैं, पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा हमने बेचना है यहाँ पे, बेचना नहीं है पिज़्ज़ा, ये देंगे तो हमें लेके जाना है। तो अभी इसको छोड़ो, फिलहाल जो है ना उस पर फोकस कर रहा हूँ मैं, कोई ढूंढ रहा हूँ, अगर मुझे कोई मिल जाए। वो बंदा भी अच्छा था लेकिन अब उसका बंद हुआ है, वो पता नहीं किधर है वो। अपना घर तो मिल गया, नहीं ये तो फायर ट्रक है, फायर ट्रक के अंदर ठेला लगाएंगे हम। वाह, नहीं मिला तो अगली एपिसोड में इंशाल्लाह मैं लगाऊंगा, ज़रूर लगाऊंगा अगली एपिसोड में, तो लगाना ही लगाना। मैंने हॉट डॉग ऐसी जगह पे लगाऊंगा जहाँ पर मतलब के लो, जहाँ पर कोई और ना बनाता हो, ऐसी जगह पे बनाऊंगा। लेकिन यहाँ पे तो हमारे घर के बिल्कुल, एक तो ये बंदा ना, इसका ना क्या नाम लेते हैं, सेकंड हैंड कार शोरूम है ये ना कहीं से, जैसे हम हमारी सवार एनसीबी कार चलती हैं, एनसीबी तो नहीं लेकिन ये एक नंबर गाड़ियाँ कहीं से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करवाता है और ये लेकर आता है। अब ये ले जाएगा बेचेगा, लेकिन फिर भी इसने छकड़ा ही रखा हुआ है। तो चलते हैं अभी, वैसे दिन हो रहा था, छोड़ो बस। तो टी शर्ट देखी आप लोगों ने, ये मेरी जो मैंने कल के एपिसोड में कहा था कि दो टी शर्ट्स नहीं हैं, तो एक उनमें से ये थी और दूसरी भी सेम ऐसी है, कोई फ़र्क नहीं है, ब्लैक टी शर्ट बस डिज़ाइनिंग का है। तो बस देखते रहिएगा GTA सैन एंड्रियास की रियल लाइफ मोड सीरीज़, और लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, और देखते रहिएगा ये सीरीज़। तब तक के लिए टाटा बाय बाय या